हाय फ्रेंड, मैं संदीप कौशिक आपका स्वागत करता हूँ जीके सेक्शन डॉट कॉम के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल में। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन आंसर हिंदी में पार्ट 3 के। तो दोस्तों, एक जैसे कि आपको पता है, एक टेस्ट आधारित परीक्षा होगी जिसमें हर सवाल में आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आप अनुमान लगा सकते हो उसका सही उत्तर क्या है। 10% होने के बाद आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपने सही उत्तर कितने दिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, कौंडान तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। तो ए, उच्च स्तर के कोंडात्र तक, या बी, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, या सी, मशीन से निम्न स्तर तक, या फिर डी, कोंडांतरण से मशीन तक। सही उत्तर है इसका वह है कोंडांतरण से मशीन तक। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, बिना किसी प्रोसेसर के, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक प्रोसेसर द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, या फिर सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर है प्रिय दोस्तों माइक्रोचिप। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी होती है, फ्लॉपी डिस्क, कोर मेमोरीज, सीडी रोम, या फिर बबल मेमोरीज। सही उत्तर है इसका वो दोस्तों सीडी रोम। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एएलयू, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका वो है कंट्रोल यूनिट। छठे प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन से परिवर्तित करता है, प्रोसेसर, बी, प्रोग्राम, सी, प्रोडक्टर, या डी, इनपुट डिवाइस। सही उत्तर है इसका प्रोसेसर। सातवां प्रश्न, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या होते हैं, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या सी, इनमें से कोई नहीं, या फिर डी, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम। सही उत्तर है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आठवां प्रश्न, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, इनवॉइस बनाता है, डेटा डिलीट करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। नौवां प्रश्न, प्रोसेसर डाटा को क्या कहते हैं, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, या फिर ये सभी कथन सकते हैं। सही उत्तर है इसका प्रोसेस। दसवां प्रश्न, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, ए, बेसिक, बी, पायलट, सी, जावा, या फिर डी, लोगो। सही उत्तर है इसका वो है लोगो। तो प्रिय दोस्तों, 10% कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित सभी प्रश्न व उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो प्लीज़ इनकी PDF आज ही डाउनलोड करिए हमारी वेबसाइट जिसका नाम gksection.com है। वहाँ पर आपको इससे आधारित यानी कि कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से आधारित और भी प्रश्न मिलेंगे जिनकी PDF मिलेगी आपको, जो अगली परीक्षा के लिए आपके लिए सहायक होगी।